आज अपन लोग एक सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं, आप ये भी कह सकते हो रिव्यू करने वाले, जो कि हाल फिलहाल में उल्लू के प्लेटफॉर्म में रिलीज होके आ चुकी है, जिस वेबसाइट का नाम है चूल। अब देखो भाई लोगों, पार्ट वन रिलीज होके आ चुके और मैंने रिव्यू करके यूट्यूब में डाल दिया, लिंक है, आप लोग जाके एक बार चेकआउट जरूर करना पर इस वीडियो के बाद। अब इस वेबसाइट के बारे में बात करने से पहले और इसमें आने वाले सीन के बारे में अपन लोग वीडियो में लास्ट में जाके बात करेंगे, उससे पहले मैं आप सभी को एक बात क्लियर बताना चाहता हूँ। ये वीडियो मैं रोड में बैठ के बनाता हूँ, यदि आप सभी को किसी चीज़ की नॉइस या गाड़ी की आवाज़ आती है तो इस चीज़ को अवॉइड करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाए। और एक वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। अब वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब देखो भाई लोगों, पार्ट वन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मुझे तो सही लगा, बिकॉज अकेले में देखने में मज़ा आता है, लड़का हूँ मैं समझ सकता हूँ। अब पार्ट टू की बात किया तो पार्ट टू भी 1 घंटे 10 मिनट का है और इसमें 3 एपिसोड है, इसमें कैरेक्टर वाइज अलग अलग है। पार्ट वन में अलग कैरेक्टर थे, इसमें 1-2 कैरेक्टर ऐड हो चुके हैं। अब देखो भाई लोगों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक और बात पूछना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ, आप सभी को किस टाइप की मूवी देखना या सीरीज देखना पसंद है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कॉलीवुड, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं या मेरे यूट्यूब अवर्ट सेक्शन में जाके, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप लोग जाके मुझे एक बार मैसेज भी कर सकते हैं, चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। और कुछ भी पूछना है तो मुझे इस वीडियो के बारे में, सीरीज़ के बारे में, एक्टर के बारे में वहाँ पर मैसेज करना, मैं आप सभी को ज़रूर बताऊँगा। अब वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं, सीरीज़ के टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब इसमें कैरेक्टर की बात करें तो एक प्रेम नाम का लड़का है, उसके पिताजी जहाँ पे वो मुंशीगिरी का काम करते हैं, और उसकी मालकिन और उसकी मालकिन की बेटी। अब वीडियो के लास्ट के टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार होगा। अब देखो भाई लोगों, शुरू में ही हमें प्रेम नाम के लड़के को एक अपने पड़ोसन के साथ सीन करते हुए दिखाया जाता है, आप समझ सकते हो, मैंने पहला वीडियो पर देखा होगा तो पता चल जाएगा। अब दूसरे एपिसोड की बात किया जाए, दूसरे एपिसोड में वो जहाँ पर काम कर रहा होता है उसी मालकिन के साथ का सीन देखने को मिल जाता है। अब तीसरे एपिसोड की बात किया था, तीसरे एपिसोड में फिर से हमें दोनों का रिपीट देखने को मिलता है और थोड़ा देर में हमें सपने के साथ एक सीन छोटा सा देखने को मिल जाता है। एनीवे वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।